मेहता का उल्टा चश्मा। बैंग नहीं सेठ जी, हैंग। या भाई तो समझ गया ना, हैंग ने बैंग ने निकल ने मैसेज भाई जी, हैंग ने बैंग ने। सेठ जी फोन। हेलो। हाय टप्पू। ये टप्पू नहीं, उसका टापा है। है टापा? मेरा मतलब उसका पापा है। ओ अंकल, टप्पू कहाँ है? टप्पू बेटा घर पे। तो टप्पू का फोन आपके पास कैसे है? यह टप्पू का फोन नहीं है, ये मेरा फोन है। मुझे पता है टप्पू अपना नंबर डिक्लेयर नहीं करना चाहता, इसलिए वो हमसे नंबर छुपा रहा है। प्लीज अंकल, टप्पू को फोन दीजिए ना। बस बेटा चलो, बहुत हो गया, आप फोन रखो चलो। नहीं, जब तक आप टप्पू को फोन नहीं देंगे तब तक मैं अपना फोन नहीं रखूंगी। तो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। तो मैं फिर से फोन करूंगी। भगवान ये। अच्छा बेटा एक काम करना, आप है ना रात को 9 बजे फोन करना है, तो मैं आपकी बात टप्पू से जरूर करवाऊंगा, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस? अरे भाई गॉड प्रॉमिस। ओके थैंक यू अंकल। ये टप्पू ने मोबाइल पाने के लिए सुंदर जैसी चाल चली है, मेरा नंबर अपने सारे दोस्तों को दे दिया ताकि मैं परेशान होकर उसे मोबाइल दिला दूं। हाँ तो दिला दीजिए ना एक फोन टप्पू सेठ जी को, भगवान का दिया सब कुछ तो है आपके पास, किस चीज की कमी है? दिला दीजिए ना एक फोन छोटे सेठ जी को। हाँ सेठ जी, डोंट बी ए माइजर, बी वाइजर। वाइसर? इसमें प्राइमस का वाइसर कहाँ से आया? नहीं सेठ जी, वाइसर नहीं, वाइजर। मतलब? नट्टू काका कह रहे हैं माइसर यानी कंजूस मत बनिए, वाइजर यानी समझदार बनकर टप्पू सेठ जी को एक मोबाइल दिला दीजिए। अरे मोबाइल क्या, उसे मोबाइल का कवर भी नहीं मिलेगा, उसे अभी मोबाइल में नहीं पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है। ये भगवान फिर से मैसेज, क्या करूं मैं टप्पू का। तू नाश्ता कर दिखो। हेलो। हाँ दया। टप्पू के पापा। ओहो टप्पू के पापा, आज अपने सामने से मुझे फोन किया, अचानक कैसे मेरी याद आ गई। टप्पू कहाँ है? क्यों क्या हुआ? टप्पू कहाँ है? टप्पू तो नाश्ता कर रहा है। पक्का पापा ने मुझे डांटने के लिए ही फोन किया है। हाँ तो उसे फोन दे। क्यों? टप्पू को फोन दे। देती हूँ पापा, देती हूँ। टप्पू बेटा, पापा का फोन है। हेलो। ये हेलो बड़ी बेवकूफ, नॉनसेंस, मस्तीखोर, ये किस धंधे पे लगा दिया तूने मुझे? कब से तेरे दोस्तों के दोस्तनियों के फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज आ रहा है? आधे घंटे के अंदर अंदर सारे फोन और मैसेज बंद नहीं हुए तो मैं घर आके तुझे ऐसा मैसेज दूंगा, ऐसा मैसेज दूंगा कि जिंदगी भर तेरे कान में तुझे मैसेज का टोन सुनाई देगा। टुट 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 टुट। ये डाकू जेठालाल। बापूजी आप, आपने टप्पू की आवाज में हेलो क्यों बोला? चुप रे, अपने बेटे से कोई ऐसी भाषा में बात करता है? बापूजी आपको पता है टप्पू ने क्या किया है? अरे टप्पू तो नादान है, बच्चा अगर नादानी करता है तो डाकू बनकर धमकी देना किसने सिखाया तुझे? अपने बेटे को ऐसे डांटते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बापूजी आप भी तो अभी अपने बेटे को डांट रहे हैं। हाँ क्योंकि तेरा बेटा नादान है, लेकिन मेरा बेटा नादान नहीं है। अरे बच्चे तो गलती करते हैं, लेकिन बड़ों को तो प्यार से बात करनी चाहिए। ठीक है आप टप्पू को फोन दीजिए, मैं प्यार से समझाता हूँ। हाँ ले टप्पू बात कर। हाँ पापा,
बोलिए बोलिए टप्पू बेटा मेरा नादान बेटा नादानी में आपने अपने दोस्तों को मेरा नंबर दे दिया है ना तो अभी बेटा सबको फोन करके आप बोल देंगे कि यह नंबर आपका नहीं मेरा है सबने फोन कर करके मुझे परेशान कर दिया है पापा प्लीज मुझे एक मोबाइल लाकर दीजिए ना टप्पू अगर एक घंटे के अंदर अंदर तेरे दोस्तों के फोन और मैसेज बंद नहीं हुए ना तो कसम मोबाइल पैदा करने वाले की तेरे घर आकर तेरे बापूजी के सामने तेरी धुलाई करूंगा फिर भले मेरा जो होना हो सो वो हो टप्पू बेटा तू ही सुन रहा है ना मेरी बात फोन मैसेज बंद होंगे ना बेटा ठीक है टप्पू बेटा ये तूने गलत किया एक बात हमेशा याद रखना अपनी बात मनवाने के लिए जीवन में कभी भी गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए हाँ बेटा तुम्हारे पापा वहाँ कितने परेशान हो रहे होंगे दुकान संभालो कि तुम्हारे दोस्तों के फोन सॉरी मम्मी सॉरी दादाजी तो अभी सबसे पहले अपने दोस्तों को बोल दे तूने जो मोबाइल नंबर दिया था वो तेरा नहीं तेरे पापा का है हाँ जी दादाजी सेठ जी बुरा मत मानना लेकिन गुस्से पे आपका काबू नहीं है हाँ सेठ जी गुस्सा हाथी जैसा होता है अगर काबू में ना रहे तो सब तहस नहस कर देता है वेरी राइट बाका यू आर वेरी राइट गुस्सा करने से हमेशा अपने ही नुकसान होता है तो सामने वाले का नहीं सामने वाले को क्या और सेठ जी अभी आपने गुस्से में कांच पे हाथ पटका कांच टूट जाता और आपको हाथ में लग जाता तो क्या नटू काका लग गया मेरी अंगूठी मेरी उंगली में लग गई तो अंगूठी निकाल दीजिए ना नहीं नहीं नटू काका ये अंगूठी बहुत लकी है गुरु का नंग की अंगूठी है बहुत बड़े ज्योतिष ने मुझे दी थी जब से ये अंगूठी पहनी है तब से मेरे जीवन में मुसीबतें कम हो गई है क्या सेठ जी आप भी जोक मार रहे हैं अरे मुसीबत तो आपका तखल्लुस हो गया है क्या हो गया है तखल्लुस यानी उपनाम बड़े बड़े शायरों का उपनाम नहीं होता है जैसे बरकत वीरानी बेफाम सुरेन ठाकर मेहुल ठीक वैसे ही जेठालाल जी गड़ा मुसीबत ये मजाक की बात नहीं है भाई अगर ये अंगूठी में ना पहनू ना तो मुसीबत डबल हो जाती है अच्छा ओ सॉरी सॉरी सेठ जी हमें पता नहीं था नहीं भागा हाँ ये भगवान फिर से मैसेज क्या करूं मैं टप्पू का लाइए सेठ जी मैं सारे मैसेजेस डिलीट कर देता हूँ पहले सेठ जी ये तो टप्पू सेठ जी के सारे दोस्तों ने आपको सॉरी कहने के लिए मैसेज किया है लिखा है सॉरी अंकल हमें लगा ये टप्पू का नंबर है सॉरी चलो हाश अभी टप्पू के दोस्तों के फोन और मैसेज से तो छुटकारा मिल गया नहीं सेठ जी टप्पू सेठ से आपको इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा हाँ सेठ जी जहाँ तक मैं टप्पू सेठ जी को जानता हूँ वो आपसे मोबाइल लेकर ही रहेंगे
टप्पू, तेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया। जेठा अंकल ने मोबाइल के लिए मना कर दिया ना। ओए टप्पू मेरे यार, तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। टप्पू अब तो तुझे मोबाइल सिर्फ सपने में ही मिलेगा। अब सपने में नहीं, टप्पू के पास हकीकत में मोबाइल होगा। बोली पापा भले ही गुस्सा करे पर पापा बहुत ही भोले, और टप्पू अपने पापा को पटा कर ही रहेगा। इस टाइम पिंकू बैग लेके कहाँ जा रहा है? ए पिंकू, ए फ्रेंड्स, पिंकू, पिंकू, ए और पिंकू कहाँ जा रहा है? आ पिंकू, वो बैग बैग लेके। हाँ मामा के घर जा रहा हूँ। क्यों? मेरे मामा की बेटी की सगाई है ना, तो दो दिन में वापस आ जाऊंगा। पिंकू सगाई से लौटते वक्त मिठाई लाना नहीं भूलना। हाँ गोली जरूर। पिंकू तू अकेले जा रहा है? कोई बात नहीं, मैं तेरे छोड़ने आता हूँ। रहने दे गोगी, मेरे मामा गेट पर आ ही रहे। और हाँ टप्पू, मैं फोन करूंगा, मोबाइल मिला के नहीं। डोंट वरी पिंकू, बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय फ्रेंड्स, बाय 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 बाय। पर टप्पू अगर मोबाइल नहीं मिला तो? मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरे दादाजी कहते हैं अगर कोई बात हमारे मन में ठान लो, इरादे पक्के हो, हौसला बुलंद हो, तो सफलता जरूर मिलती है। और आज रात जब पापा दुकान से वापस आएंगे तब टप्पू फिर से शुरू करेगा टप्पू का मोबाइल मिशन। मम्मी मम्मी प्लीज पापा को कहो ना मुझे मोबाइल लेकर दे। टप्पू बेटा, इस मामले में तेरे पापा को मेरे समझाने या ना समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे पापा जो कहेंगे ना वही होगा दिक्का। प्लीज मम्मी, मम्मी तुम तो मेरी प्यारी मम्मी हो ना, प्लीज मेरे पापा को समझाना मम्मी प्लीज। ओहो माँ बेटे के बीच में लाड प्यार चल रहा है? बाप के साथ तो कभी ऐसा लाड प्यार नहीं किया बेटा। क्या कर रहा है टप्पू? अरे लाड प्यार करने को कहा बेटा, ऐसे बैल की तरह हमला करने को नहीं बोला। सॉरी सॉरी पापा, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई अभी थका रहा, दुकान से आ रहा हूँ, दो मिनट शांति से बैठने तो दे। पापा मैं ये कह रहा था कि... अरे भाई दो मिनट जरा सांस तो लेने दे, पानी बनी पी लेने दे। आप देंगे जरा मुझे पानी? हाँ हाँ जरूर। ये लीजिए। शुक्रिया। पी लिया पानी? पापा प्लीज मुझे मोबाइल ला कर दीजिए ना पापा। सुबह मैंने तुझे मना कर दिया था ना। पापा दादाजी कहते हैं कि बहुत बार इंसान का मूड अच्छा ना हो तो वो गलत फैसले ले लेता है, पर जब उसका दिमाग शांत हो जाता है, दो मिनट शांति से सांस ले लेता है, पानी मानी पी लेता है, तब वो अपना विचार बदल कर सही फैसला लेता है। बेटा सुबह जब मैंने फैसला लिया था ना वो शांत दिमाग से ही लिया था। तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा। पापा ऐसा मत करना बाबा, प्लीज बाबा प्लीज। बस अब मुझे इस बात पे कोई चर्चा नहीं चाहिए। ले मेरे मोबाइल में गेम खेलनी है, खेल। नहीं मुझे गेम नहीं खेलना। क्या हुआ टप्पू के पापा? अरे वो आज उंगली में थोड़ा लग गया, तो अभी कैच पकड़ा ना मोबाइल का, तो मोबाइल उसी जगह पे लगा, तो थोड़ा दर्द हुआ। उंगली में दर्द हो रहा है तो अंगूठी निकाल दीजिए ना। नहीं नहीं अंगूठी बहुत लकी है, अंगूठी निकाल नहीं सकता भाई। थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए, बाद में पहन लेना। नहीं मैं निकाल देती हूँ। संभल के थोड़ा दर्द होगा, बस बस निकल गई निकल। अरे ये इतना सा पकड़ा जोर, जरा ढीला पकड़। सॉरी साला, ठीक मलम मलम लगा दूं? अरे नहीं भाई, थोड़ा सा मुंड मार लगा है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा दूं। हेलो बोलिए बोलिए वर्मा साहब, कैसे हैं? हो गई होटल तैयार? पापा
नहीं नहीं आपको नहीं, आपको नहीं वर्मा साहब, वो मैं अपने बेटे को कह रहा था। बोलिए बोलिए। हेलो वर्मा साहब। हाँ बोलिए बोलिए, अभी आपको बोला। हाँ हाँ हाँ, बस घर पहुंच गया मैं। हाँ बस थोड़ी देर हुई। दुकान से। अरे नहीं नहीं, आप तो घर के, आप आधी रात को भी फोन कर सकते हैं मुझे। बोलिए बोलिए। पापा नहीं, चुप। नहीं नहीं, आपको नहीं, आपको नहीं। ओ बेटा मेरा, जरा मस्ती के मूड में। बोलिए बोलिए। पापा नहीं नहीं, पापा प्लीज। बेटा गया गया अंदर बेडरूम में गया। पापा बेफिक्र रहिए वर्मा साहब, मैं आपको एकदम बेस्ट दाम दूंगा। हाँ आप मुझे खाली इतना बता देना कि आपको क्या क्या, कितने पीस चाहिए। नहीं नहीं, मतलब आपको कितने पीस अपना LCD चाहिए, कितने पीस आपको फ्रिज चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, स्टाफ के लिए मोबाइल भी मिल जाएगा ना। हाँ हाँ मिलेगा। हाँ अच्छा, मोबाइल पीस पे आपको अपनी होटल का नाम और नंबर छपवाना है। हाँ तो ठीक है, कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, आप हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ जी, नहीं नहीं, आ जी आ जी। आप बोलो तो एक दो दिन में मैं पुनः आ जाता हूँ, आमने सामने बैठ के सपना की कर लेंगे। हाँ जैसा आप बोलो। ओके ओके मालिक, ओके वर्मा साहब, थैंक यू। पापा, अरे भाई क्या तू पतंग की पूछ की तरह कब से मेरे पीछे पीछे घूम रहा है? एक बार मना किया ना, धान खा गया सुंदर की तरह। बोल रहा हूँ, सुंदर की तरह जरा समझदार बन के रहना सीख। टुवाल रख दिया, मैं ना लेता हूँ आत्म। कोई बात नहीं पापा, टप्पू चुप नहीं बैठेगा, आप खाना खा लो, फिर से टप्पू मोबाइल का रिंगटोन बजाएगा। दया आज खाने में मजा आ गया। सच में बहू, वो तो साक्षात अन्नपूर्णा है। मम्मी अन्नपूर्णा है और पापा परम दयालु दानपूर्णा है। टप्पू अभी जोक मत मार। बापूजी वो जोक नहीं मार रहा है, वो मेरी झूठी तारीफ कर रहा है। और मेरी झूठी तारीफ क्यों कर रहा है वो भी मुझे पता है। क्या? मोबाइल, उसको मोबाइल चाहिए इसलिए है। आश, इस बार दया और बापूजी टप्पू के बदले मेरी टीम में है तो टेंशन नहीं है, वरना दया और बापूजी टप्पू की तरफदारी करते तो मुझे उसे मोबाइल दिलाना ही पड़ता। मेरी अंगूठी कहाँ है? मैंने तो आपकी उंगली में से अंगूठी निकल के आपके हाथ में दे दी थी। देख जरा, नहाते वक्त बाथरूम में तो नहीं रह गई? मैं वो पर्स और रुमाल रखता हूँ वहाँ देख। मैंने वहाँ पर भी देखा, वहाँ भी नहीं है। अरे वहाँ कहीं नीचे गिर गई होगी, ध्यान से देख। अरे मैंने नीचे सब जगह देखा, कहीं पर अंगूठी नहीं है। तो कहाँ गई मेरी अंगूठी? टप्पू के पापा, वो तो आपकी लकी अंगूठी थी। बिटिया तू कितना बेदरकार है। बेदरकार क्या बापूजी, इतने सालों से तो संभाल के रखी थी मैंने। अरे तो इतने सालों से संभाल के रखी थी तो अभी कहाँ रख दी? वो मुझे पता होता तो ये चर्चा हम अभी नहीं कर रहे होते ना बापूजी। तो जब तक अंगूठी मिलेगी नहीं मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मित्रों, मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में मुसीबतें इनकमिंग कॉल की तरह आती है। एक तो बिना बताए चली आती है और बिल्कुल मुफ्त। अब देखिए ना, बैठे बिठाए अंगूठी खो गई। भाई अभी टप्पू के सर से मोबाइल का भूत उतरा भी नहीं था कि नया कांड, लकी अंगूठी जेठालाल की। जब तक पहन रखी थी तब तक इतनी परेशानियां थी, तो अब सोचिए जब अंगूठी हाथ में नहीं है तो कितनी परेशानियां होंगी। क्या लगता है आपको, मिलेगी अंगूठी? भाई मुझे नहीं मालूम मिलेगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अंगूठी का कोना किसी नई मुसीबत, नए हंगामे का सूचक है। अब यहां जितने हंगामे वहां उतनी हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.